हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चॉक एंड स्लेट। माय सेल्फ निधि। तो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं बच्चों क्लास 10 का एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर जो कि है टैंजेंट एंड इंटरसेक्टिंग कॉस। तो चलो लेट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले पहला टॉपिक समझते हैं कि टैंजेंट क्या होता है। तो टैंजेंट क्या होता है बच्चों? तो द लाइन सेगमेंट दैट टचेस द सर्कल एट वन पॉइंट इज कॉल्ड टैंजेंट। वो लाइन सेगमेंट जो सर्कल को टच करे ना कि कट करे, वो लाइन सेगमेंट जो सर्कल को किसी पॉइंट पर टच करे वो क्या कहलाता है बच्चों? टैंजेंट। जैसे कि फॉर एग्जांपल एबी मेरा एक लाइन सेगमेंट है जो सर्कल को किस पॉइंट पर टच कर रहा है? पी पॉइंट पर। तो एबी क्या कहलाएगा बच्चों? टैंजेंट। क्लियर, समझ में आ गया? वो लाइन सेगमेंट जो सर्कल को टच करे वो क्या कहलाता है बच्चों? टैंजेंट। समझ में आया? अब ये तो हमने समझ लिया कि टैंजेंट होता क्या है। अब टैंजेंट से रिलेटेड कुछ टर्म्स है जो आपको ध्यान में रखना है, बिकॉज इस टाइप के क्वेश्चन आपके एमसीक्यू में आ सकते हैं। तो पहला टर्म क्या कहता है, पहला कंडीशन क्या कहता है? नो टैंजेंट कैन बी ड्रॉन टू अ सर्कल थ्रू अ पॉइंट इनसाइड द सर्कल। क्या बोला जा रहा है? अगर आप सर्कल के अंदर में किसी एक पॉइंट को लो या कोई भी पॉइंट को लो, तो उस पॉइंट से आप सर्कल पर कोई भी टैंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने एक पॉइंट लिया है, इस पॉइंट से अगर हम सर्कल पर टैंजेंट ड्रॉ करना चाहे तो ये बनेगा, पर ये मेरा टैंजेंट नहीं कहलाएगा। क्यों नहीं कहलाएगा? मैंने क्या कहा था, टैंजेंट क्या करेगा? वो सर्कल को टच करेगा ना कि कट करेगा। बट अगर आप सर्कल के अंदर किसी भी पॉइंट से लाइन सेगमेंट को ड्रॉ करोगे तो वो क्या करेगा बच्चों? सर्कल को कट करेगा। क्लियर? तो नो टैंजेंट कैन बी ड्रॉन थ्रू अ सर्कल थ्रू अ पॉइंट इनसाइड द सर्कल। समझ में आ गया पहला पॉइंट क्या कहता है? सेकेंड पॉइंट हमारा क्या कहता है? तो सेकेंड पॉइंट कहता है वन एंड ओनली वन टैंजेंट कैन बी ड्रॉन टू अ सर्कल थ्रू अ पॉइंट ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल। अगर आप सर्कल के सर्कमफेरेंस पे किसी भी एक पॉइंट को सेलेक्ट करो तो उस पॉइंट से आप उस सर्कल पर सिर्फ एक ही टैंजेंट ड्रॉ कर सकते हो। जैसे कि मैंने सर्कल के सर्कमफेरेंस पे एक पॉइंट सेलेक्ट किया क्यू, तो क्यू पॉइंट से मैं इस सर्कल पर सिर्फ एक ही टैंजेंट ड्रॉ कर सकती हूँ। क्लियर? One and only one tangent can be drawn to a circle through a point on the circumference of a circle. And the last point is, last condition मेरा क्या कहता है? Two tangents can be drawn to a circle through a point outside the circle. अगर आप circle के बाहर किसी एक point को select करो, जैसे हमने circle के बाहर एक point को select किया S, तो आप इस point से, इस S point से इस circle पर कितने tangent बना सकते हो बच्चों? दो। कितने टैंजेंट बना सकते हो बच्चों? दो टैंजेंट। यानी पहला टैंजेंट हो गया आपका ये और सेकेंड टैंजेंट हो गया आपका ये। क्लियर? यानी सर्कल के अंदर किसी पॉइंट से मैं सर्कल पर एक भी टैंजेंट नहीं बना सकती, सर्कल के सर्कमफेरेंस पर अगर आप किसी पॉइंट को सेलेक्ट करो तो आप उससे एक टैंजेंट बना सकते हो, और सर्कल के बाहर किसी पॉइंट को अगर आप सेलेक्ट करो तो उस पॉइंट से आप सर्कल पर दो टैंजेंट बना सकते हो। क्लियर? ये सारा कंडीशन आपको समझ में आ गया। अब आते कुछ थ्योरम्स पे। तीन चार थ्योरम है मेरे इस एक्सरसाइज में जिसे आपको जानना जरूरी है, उसके बाद ही हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। तो पहला थ्योरम क्या कहता है बच्चों? द टैंजेंट एट एनी पॉइंट टू द सर्कल एंड द रेडियस थ्रू दिस पॉइंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। क्या कहा मैंने? हमारा पहला थ्योरम कहता है द टैंजेंट एट एनी पॉइंट टू द सर्कल। आप सर्कल के किसी भी पॉइंट पर एक टैंजेंट ड्रॉ करो, जैसे कि ये हो गया मेरा एक टैंजेंट ए बी और ये पॉइंट है पी। ठीक है? द टैंजेंट एट एनी पॉइंट टू द सर्कल एंड द रेडियस थ्रू दिस पॉइंट, और इस पॉइंट पर जो रेडियस होगा ये सेम पॉइंट, क्योंकि रेडियस क्या होता है बच्चों? सर्कल के सेंटर से सर्कमफेरेंस पर जो आप लाइन ड्रॉ करते हो, सर्कल के सेंटर से सर्कमफेरेंस को मिलाने वाला स्ट्रेट लाइन क्या होता है बच्चों? रेडियस होता है। तो यहाँ से तो हम बहुत सारा रेडियस बना सकते हैं, बट थ्योरम में आपका क्या कह रहा है? द टैंजेंट एट एनी पॉइंट टू द सर्कल एंड द रेडियस थ्रू दिस पॉइंट, मतलब इसी पॉइंट से सर्कल पर जो रेडियस बनेगा आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये दोनों आपस में क्या होंगे बच्चों? परपेंडिकुलर। यानी वी हैव टू शो दैट ओपी इज परपेंडिकुलर टू ए बी, यानी रेडियस जो है वो टैंजेंट के परपेंडिकुलर होगा। क्लियर? We have to show that OP is perpendicular to AB. Clear? ये है मेरा theorem. But अब आपको उसको prove करना होगा. तो proof कैसे करेंगे बच्चों? तो tangent पे आप एक और
कोई भी पॉइंट ले लो और इसे सर्कल के सेंटर से मिला लो। सपोज करो हमने ये पॉइंट ले लिया है ओडी, क्लियर, हमने ये पॉइंट ले लिया है ओडी। अच्छा एक चीज हमेशा आप याद रखना, अगर आप किसी पॉइंट से किसी लाइन पर लाइन सेगमेंट ड्रॉ करोगे तो उन लाइन सेगमेंट में इस पॉइंट से हम इस लाइन पर बहुत सारा लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर सकते हैं, इस तरीके से, है ना बच्चों। अगर आप किसी पॉइंट से किसी लाइन पर लाइन सेगमेंट ड्रॉ करोगे तो उन लाइन सेगमेंट पे जो परपेंडिकुलर वाला लाइन सेगमेंट होगा बच्चों वो सबसे छोटा होगा। क्या कहा मैंने, अगर आप किसी पॉइंट से किसी लाइन पर लाइन सेगमेंट ड्रॉ करोगे तो इन लाइन सेगमेंट में सबसे छोटा लाइन सेगमेंट कौन सा होगा जो इस पॉइंट से परपेंडिकुलर होगा, यानी क्लियर, समझ में आया, ये वाला लाइन सेगमेंट सबसे छोटा लाइन सेगमेंट होगा। सेम टू सेम कंडीशन यहाँ पे है, ओ पॉइंट से ए बी पर आप बहुत सारा लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर सकते हो, क्लियर, और सबसे छोटा लाइन सेगमेंट कौन सा होगा जो लाइन सेगमेंट परपेंडिकुलर होगा, क्लियर। ओ पॉइंट से ए बी टेंजेंट पे हम बहुत सारा लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर सकते हैं, पर हमने क्या पढ़ा, अभी क्या सीखा हमने, किसी भी पॉइंट से अगर आप किसी लाइन पर लाइन सेगमेंट ड्रॉ करोगे तो सबसे छोटा लाइन सेगमेंट जो होगा वो हमेशा क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर, सबसे छोटा लाइन सेगमेंट परपेंडिकुलर वाला ही लाइन सेगमेंट होगा। यानी क्लियरली आपको पता चल रहा है कि ओपी जो है वो छोटा है ओडी से, ओपी जो है वो छोटा है ओडी से। सिमिलरली ओपी हर एक लाइन से, ओ पॉइंट से खींचे गए हर एक लाइन से छोटा होगा और वो क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। अभी हमने क्या पढ़ा कि सर्कल के सेंटर बोलिए या किसी भी पॉइंट से आप किसी लाइन सेगमेंट पर लाइन ड्रॉ करोगे तो सबसे छोटा वाला लाइन क्या होगा बेटा, परपेंडिकुलर होगा, यानी ओपी जो है वो एबी पर क्या होगा बच्चों, परपेंडिकुलर होगा, और ओपी ही सबसे छोटा लाइन है। अदरवाइज आप जिस भी लाइन को खींचोगे वो बड़ा ही होगा, रेडियस ही सबसे छोटा लाइन है, अदर जितना भी लाइन होगा वो सर्कल के बाहर होगा, मतलब वो सारे बड़े होंगे, क्लियर। तो इस बेसिस में मैं बोल सकती हूँ ओपी इज परपेंडिकुलर टू ओडी लिख दिया मैंने एबी। समझ में आई बात, पहला थ्योरम क्या था कि टेंजेंट और रेडियस आपस में क्या होंगे बच्चों, परपेंडिकुलर होंगे। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट थ्योरम, इफ वी ड्रॉ टू टेंजेंट थ्रू अ पॉइंट आउटसाइड द सर्कल। आपको क्या बोला जा रहा है, एक सर्कल है, इस सर्कल के बाहर किसी भी पॉइंट से अगर आप सर्कल पर दो टेंजेंट ड्रॉ करते हो, इफ वी ड्रॉ टू टेंजेंट थ्रू अ पॉइंट आउटसाइड द सर्कल, पहला टेंजेंट एंड दूसरा टेंजेंट, इफ वी ड्रॉ टू टेंजेंट थ्रू अ पॉइंट आउटसाइड द सर्कल, तब क्या कंडीशन होगा, द टेंजेंट्स आर इक्वल इन लेंथ, ये जो टेंजेंट होंगे वो आपस में इक्वल होंगे। सेकंड पॉइंट, पहला टेंजेंट ले लो आप एपी और दूसरा टेंजेंट ले लो आप बीपी, द टेंजेंट्स आर इक्वल इन लेंथ। सेकंड, द टेंजेंट सबस्टिट्यूट इक्वल एंगल एट द सेंटर, ये जो टेंजेंट है वो सेंटर के संग कैसे एंगल बनाएंगे बच्चों, इक्वल एंगल, सेंटर ले लो आप ओ, द टेंजेंट सबस्टिट्यूट इक्वल एंगल एट द सेंटर। और तीसरा पॉइंट क्या कहता है, द टेंजेंट इंक्लाइंड इक्वली टू द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट एंड द रेडियस ऑफ द एंड द सेंटर ऑफ द सर्कल। क्या बोला जा रहा है कि टेंजेंट जो है वो उस लाइन के संग इक्वली इंक्लाइंड करेंगे जो लाइन उस एक्सटीरियर पॉइंट और सर्कल के सेंटर को जॉइन कर रहा है। समझ में आई बात, यानी वी हैव टू शो दैट पहला पी ए इज इक्वल टू पी बी, सेकेंड टेंजेंट आपस में इक्वल होंगे, सेकेंड क्या बोल रहा है बच्चों, टेंजेंट जो है वो सर्कल के सेंटर के संग इक्वल एंगल बनाएंगे, यानी पी ओ बी, आपको प्रूफ करना है एंगल पी ओ बी इज इक्वल टू एंगल पी ओ ए, एंड थर्ड टेंजेंट जो है वो पॉइंट और सेंटर को जॉइन करने वाले लाइन के संग इक्वली इंक्लाइन करेंगे, यानी वी हैव टू शो दैट दिस एंगल इज इक्वल टू दिस, यानी एंगल ए पी ओ इक्वल एंगल बी पी ओ, ठीक है, ये आपको तीन चीज प्रूफ करना है। तो कैसे करेंगे, तो अभी हमने पहला थ्योरम क्या पढ़ा था कि टेंजेंट जो है बच्चों, टेंजेंट जो है
टेंजेंट जो है वो रेडियस के संग कैसा एंगल बनाते, परपेंडिकुलर एंगल बनाते, यानी आप बोल सकते हो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में कैसा एंगल होगा, 90 डिग्री। हमने अभी पढ़ा कि इसके पहले वाले थ्योरम में पढ़ा कि रेडियस और टेंजेंट के बीच में कैसा एंगल होता है, 90 डिग्री। रेडियस और टेंजेंट आपस में क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। तो चलो इसे प्रूफ करने के लिए हमें ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट शो करना होगा। ट्रायंगल पी ओ ए, इसे ओ पॉइंट दे दो, एंड ट्रायंगल पी ओ बी, इन दोनों ट्रायंगल को आप कॉन्ग्रुएंट कैसे शो करोगे। तो पहला आप क्या लिख सकते हो, पहला हम लिख सकते हैं ओ ए इक्वल्स ओ बी। कैसे, बिकॉज दोनों क्या है, रेडियस है, ओ ए और ओ बी आपस में सेम है। दूसरा आप क्या लिख सकते हो, एंगल ओ ए पी इक्वल एंगल ओ बी पी। कैसे, दोनों ही एंगल 90 डिग्री। अभी हमने पढ़ा रेडियस टेंजेंट के संग परपेंडिकुलरली कट करता, मतलब रेडियस जो है वो टेंजेंट के संग 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करता। और तीसरा आप क्या लिखोगे, पीओ इज इक्वल टू पीओ, पीओ जो है वो कॉमन है। यानी देखो तीन पॉइंट मिल गया, कौन सा मिला, आर एच एस, है ना, राइट एंगल, हाइपोटेनस और साइड। आर एच एस से 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट वाला साइड क्या कहलाता है बेटा, हाइपोटेनस। तो राइट एंगल, हाइपोटेनस और साइड, इन तीन क्राइटेरिया, मतलब आरएचएस से आपने दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया। और दोनों ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट हो गए तो सीपीसीटी से पहला आप बोल सकते हो पीए इक्वल्स पीबी, सेकंड आप बोल सकते हो दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। अगर कोई दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो आप सीपीसीटी से उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स एंड एंगल को इक्वल बोल सकते हो, देयरफॉर सीपीसीटी से आपका तीनों इक्वल हो जाएगा। आया बात समझ में, ये सब थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपका एक्सरसाइज में आगे यूज होगा। हमारा थर्ड थ्योरम क्या कहता है, तो थर्ड थ्योरम कहता है बच्चों, व्हेन द टू सर्कल टचेस ईच अदर देन द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट लाइज ऑन द स्ट्रेट लाइन थ्रू द सेंटर। क्या बोल रहा है, जब दो सर्कल एक दूसरे को टच करे, अब ये दो कंडीशन हो सकता है, दोनों एक दो सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली भी टच कर सकते हैं और इंटरनली भी। सबसे पहले हम एक्सटर्नली बनाते हैं, तो अगर दो सर्कल एक दूसरे को टच करे, ये मेरे दोनों सर्कल है जो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं बच्चों, टच कर रहे हैं। व्हेन द टू सर्कल टचेस ईच अदर देन द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होता है बच्चों, तो सर्कल कि जिस पॉइंट से टेंजेंट पास होता है, यानी सर्कल को जिस पॉइंट पर टेंजेंट टच करता है वो पॉइंट कहलाता है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। क्लियर, याद रखना। तो क्या बोला जा रहा है, व्हेन द टू सर्कल टचेस ईच अदर देन द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट लाइज ऑन द स्ट्रेट लाइन पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ सर्कल। आपको बोल रहा है जब दो सर्कल एक दूसरे को टच करेंगे तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, मतलब कि ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, टेंजेंट AB जो है वो पहले सर्कल को भी P पॉइंट पर टच कर रहा है और दूसरे सर्कल को भी P पॉइंट पर टच कर रहा है। तो आपको क्या प्रूफ करना है, ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है बच्चों वो किस स्ट्रेट लाइन में होगा, वो स्ट्रेट लाइन पर होगा जो कि दोनों सर्कल के सेंटर को ज्वाइन करता है। यानी वी हैव टू शो दैट, सपोज करो इस सर्कल का सेंटर है S एंड इस सर्कल का सेंटर है T, देन वी हैव टू शो दैट SPT इज अ स्ट्रेट लाइन। समझ में आया क्या बोला जा रहा है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जो है वो स्ट्रेट लाइन में होगा, कौन से स्ट्रेट लाइन में होगा, जो सर्कल के दोनों सर्कल के सेंटर को ज्वाइन करता है। क्लियर, अब किसी भी लाइन को स्ट्रेट लाइन प्रूफ करने के लिए आपको क्या दिखाना पड़ता है बच्चों, 180 डिग्री, क्योंकि स्ट्रेट लाइन जो है वो 180 डिग्री का एंगल बनाता है। तो अगर हम इस एंगल को 180 शो कर दें तो हमारा काम हो जाएगा। तो कैसे करेंगे, तो अभी मैंने आपको इसके पहले वाले थ्योरम में बताया था कि रेडियस जो है वो टेंजेंट पे 90 डिग्री का एंगल बनाता है। क्लियर, यानी हम बोल सकते हैं SP इज परपेंडिकुलर टू AB, यानी SP जो है वो AB पे 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। सिमिलरली TP इज परपेंडिकुलर टू AB और TP भी जो है वो इस पर 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, यानी ये वाला एंगल भी 90 डिग्री है और ये वाला एंगल भी 90 डिग्री है। अगर आप दोनों को प्लस करोगे बच्चों, एंगल SPB और एंगल PBT को प्लस करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 180 डिग्री। क्लियर, समझ में आ गया। ये तो था एक्सटर्नली, जब दोनों सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करें। अब अगर इंटरनली टच करेंगे तब क्या होगा, तो दो सर्कल है, पहला सर्कल और ये दूसरा सर्कल, दोनों एक दूसरे को कैसे टच कर रहे हैं बच्चों, इंटरनली। उस केस में भी जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होगा, मतलब ये टेंजेंट है जो दोनों सर्कल को ही पी पॉइंट पर
टच कर रहा है, देन वी हैव टू शो दैट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट जो है वो स्ट्रेट लाइन पर होगा, जो स्ट्रेट लाइन दोनों सर्कल के सेंटर को ज्वाइन कर रहा है। मतलब इस सर्कल का, बड़े वाले सर्कल का सेंटर है ए, छोटे वाले सर्कल का सेंटर है बी, देन वी हैव टू शो दैट ए बी पी इज अ स्ट्रेट लाइन। आई बात समझ में क्या बोला मैंने? तो कैसे करेंगे? तो देखो बच्चों, बीपी जो है वो छोटे वाले सर्कल का क्या है? रेडियस है। और हमने अभी पढ़ा कि रेडियस जो है वो टेंजेंट पे परपेंडिकुलर एंगल फॉर्म करता है, यानी ये वाला एंगल क्या हो गया बच्चों? 90 डिग्री। सिमिलरली एपी जो है वो भी इस टेंजेंट पे क्या है, वो भी इस सर्कल का क्या है बच्चों? एपी जो है वो बड़े वाले सर्कल का रेडियस है। बीपी छोटे वाले सर्कल का रेडियस है और एपी बड़े वाले सर्कल का रेडियस है। तो आप जानते हो रेडियस जो है वो टेंजेंट पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करता है, मतलब परपेंडिकुलर एंगल फॉर्म करता है। तो आप बोल सकते हो एपी इज आल्सो परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। टेंजेंट का भी कुछ नेम दे दो, एसक्यू। क्लियर? अभी मैंने आपको बताया था कि आप किसी पॉइंट से किसी लाइन पर एक ही परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हो, यानी एपी भी परपेंडिकुलर है और बीपी भी परपेंडिकुलर है। तो आप बोल सकते हो कि दोनों जो है वो सेम स्ट्रेट लाइन से ही पास कर रहे हैं, यानी ए पी ए बी पी लाइज ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन। क्लियर? समझ में आ गई बात? ये सारे थ्योरम्स तो हमने पढ़ लिए, अब कुछ टर्म्स देख लेते हैं टेंजेंट से रिलेटेड। तो देखो दो तरीका का टेंजेंट और है आपका सिलेबस में, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट एंड ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट। ये क्या होता है बच्चों? डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट एंड ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट। तो क्या बोला जा रहा है? व्हेन अ टेंजेंट common to two given circle is drawn in such a way that both the circle lies on the same side of the tangent, then the tangent is called direct common tangent. क्या बोला जा रहा है? अगर दो circle है, और दोनों का common tangent draw किया गया है इस तरीके से कि दोनों ही circle tangent के same side पर हो, ये दो सर्कल है, आपको दो एक टेंजेंट बनाना है जो दोनों सर्कल को टच करे बच्चों। ये इस तरीके से कुछ आपको बनाना है कि जो दोनों सर्कल को टच करे। क्लियर? व्हेन अ टेंजेंट कॉमन टू टू गिवन सर्कल इज ड्रॉन इन सच अ वे दैट बोथ द सर्कल लाइज ऑन द सेम साइड ऑफ द टेंजेंट, देन द टेंजेंट इज कॉल्ड डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। ये टेंजेंट इस सर्कल को ए पॉइंट पर टच कर रहा है बच्चों और ये बी पॉइंट पर। क्लियरली? और अगर आप इससे दो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट ड्रॉ करोगे, जैसे कि एक तो हमने इधर कर लिया, एक आप इधर अगर करते हो, तो ये सर्कल को P पॉइंट पर टच किया बच्चों और इसने Q पॉइंट पर, देन ऑलवेज PQ इक्वल होगा AB के। ये हमेशा याद रखना, ऑलवेज हमेशा ये दोनों टेंजेंट आपस में क्या होंगे बच्चों? इक्वल होंगे। AB का लेंथ और PQ का लेंथ हमेशा क्या होगा बच्चों? सेम होगा। सेम टू सेम, ये था मेरा डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। दूसरा है मेरा ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट। वो क्या होता है? तो इफ अ टेंजेंट कॉमन टू टू गिवन सर्कल इज ड्रॉन इन सच अ वे दैट बोथ द सर्कल लाइज ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द टेंजेंट इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट। कह रहा है कि आपको दो सर्कल का टेंजेंट ड्रॉ करना है जो कि कॉमन हो, मतलब दोनों सर्कल का एक ही टेंजेंट हो, बट इस तरीके से हो कि एक सर्कल उसके इस तरफ लाई करे और दूसरा सर्कल उसके दूसरे तरफ लाई करे बच्चों। इस तरीके से पहला सर्कल उसके एक साइड पर लाई करे और दूसरा सर्कल उसके दूसरे साइड पर लाई करे, तो उसे हम क्या कहेंगे? ट्रांसवर्सल कॉमन सर्कल। ये इसे ए पॉइंट पर कट कर रहा है और ये इसे टच कर रहा है, सॉरी कट कर रहा है मैंने बोल दिया, और दूसरे सर्कल को ये बी पॉइंट पर टच कर रहा है। क्लियरली? सेम टू सेम, अगर आप दो ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट ड्रॉ करो, मतलब पहला ये हो गया और दूसरा ये हो गया, ये पी पॉइंट पर है और ये क्यू पॉइंट पर है, तो उस केस में भी ए बी हमेशा इक्वल होगा पी क्यू के। यानी दो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स आपस में इक्वल होंगे, सेम टू सेम दो ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट भी आपस में इक्वल होंगे। तो ये समझ में आ गया आपको पूरा टेंजेंट क्या होता है, टेंजेंट आप कैसे कैसे ड्रॉ कर सकते हो। सर्कल के अंदर से आप ड्रॉ नहीं कर सकते, सर्कमफेरेंस से सिर्फ आप एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो, सर्कल के बाहर किसी पॉइंट से आप सर्कल पर दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो। उसके बाद हमने क्या सीखा? टेंजेंट से रिलेटेड कुछ थ्योरम्स, फिर हमने देखा डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट क्या होता है और ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट क्या होते हैं।
तो ये सब था मेरा जितना भी बेसिक। आप अगर स्टार्टिंग के पार्ट को बच्चों स्किप करोगे तो आगे आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं चैप्टर का हर एक बेसिक टर्म चैप्टर के स्टार्टिंग में समझाती हूँ, थ्योरम्स को समझाती हूँ, तो उसे कभी भी स्किप मत करना। चलो अब यहाँ तक आपको समझ में आ गया तो एक्सरसाइज आपसे इजिली होगा, तो चलो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एक्सरसाइज। एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन क्या कहता है, द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 8 सेंटीमीटर, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ अ टैंजेंट ड्रॉन टू दिस सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट एट अ डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर फ्रॉम इट सेंटर। आपको क्या बोल रहा है, एक सर्कल है बच्चों, ये आपका सर्कल है, इस सर्कल का रेडियस मुझे गिवन है 8 सेंटीमीटर। इस सर्कल का रेडियस आपको कितना गिवन है 8 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द लेंथ ऑफ अ टैंजेंट ड्रॉन टू दिस सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स सेंटर। इसके सेंटर से 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे, ये डिस्टेंस सपोज करो है आपका 10 सेंटीमीटर, इस सर्कल के सेंटर से 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे एक पॉइंट है, इस पॉइंट से आप इस सर्कल पर जो टैंजेंट ड्रॉ करोगे उस टैंजेंट का लेंथ बताओ। क्लियर, समझ में आया क्या था क्वेश्चन, एक सर्कल है, सर्कल का आपको रेडियस गिवन है यानी मुझे ओबी गिवन है 8 सेंटीमीटर एंड आपको एक पॉइंट बोला गया है जो कि सर्कल के रेडियस से 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे, यानी कि ये वाला लेंथ बच्चों, ये वाला लेंथ है मेरा 10 सेंटीमीटर, ऐसे लिख लो, ये वाला लेंथ है मेरा 10 सेंटीमीटर, वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ टेंजेंट, यानी आपको AB का लेंथ फाइंड आउट करना है। कितना सिंपल है, अभी हमने पढ़ा था कि रेडियस जो है वो टेंजेंट के संग 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करता है, यानी ये एंगल, ये ट्रायंगल आपका कैसा ट्रायंगल हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री के अपोजिट वाला साइड क्या होता है, हाइपोटेनस, यानी आपको हाइपोटेनस पता है, OA पता है मुझे 10 सेंटीमीटर, OB पता है मुझे 8 सेंटीमीटर, तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके आप BA इजीली निकाल सकते हो, क्या लिखोगे, OA स्क्वायर इज इक्वल टू OB स्क्वायर प्लस BA स्क्वायर, यानी 10 का स्क्वायर 100, 8 का स्क्वायर 64 इज इक्वल टू BA, यहां से BA स्क्वायर, यहां से BA निकालोगे बच्चों तो कितना आ जाएगा, रूट अंडर 36 यानी कि 6 सेंटीमीटर, टेंजेंट का लेंथ कितना हो गया बच्चों 6 सेंटीमीटर। क्लियर, देखो नंबर टू का डायग्राम आपको गिवन है कुछ ऐसा, ये मेरा सर्कल है, ये मेरा टेंजेंट है BA, इस तरीके से ये मेरा एक टेंजेंट है, ये है बच्चों सी पॉइंट, ये है बच्चों ओ पॉइंट मतलब सर्कल का रेडियस, और ये है बच्चों डी पॉइंट। क्लियर, ये है ओबी, इस तरीका का कुछ मेरा फिगर है। क्लियर, आप फिगर थोड़ा बड़ा बना लेना, आपको क्या बोला है, इन द गिवन फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, ओ जो है वो इस सर्कल का सेंटर है एंड ए बी इज द टेंजेंट एट अ पॉइंट बी, और ए बी जो है वो टेंजेंट है। If AB is equal to 15 centimeter, tangent का length मुझे given है, कितना given है 15 centimeter, tangent है आपका 15 centimeter and AC given है बच्चों, ये वाला length, AC आपको given है, मतलब ये वाला length given है 7.5 centimeter, हाँ, calculate the radius of a circle, आपको क्या निकालने बोला है, circle का radius, कैसे निकालोगे, तो मैंने अभी आपको बताया था कि रेडियस जो है वो हमेशा टेंजेंट पे परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करता है, यानी आप बोल सकते हो रेडियस जो है वो टेंजेंट से 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करता है, तो OB रेडियस है और BA आपका टेंजेंट है, हमेशा याद रखना आपको टेंजेंट वाले केस में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना पड़ेगा, यानी ये ट्रायंगल मेरा राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, OBA इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, और वहां पे आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हो, 90 डिग्री के अपोजिट वाला साइड होता है बच्चों हाइपोटेनस, यानी OA का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा OB का स्क्वायर प्लस BA का स्क्वायर। क्लियर, अब OA कैसे निकालोगे बच्चों, OA तो मुझे पता ही नहीं, मुझे तो CA पता है, अच्छा अब एक बात बोलो, OA के प्लेस में आप लिख सकते हो OC प्लस CA, OA के प्लेस में हम लिख सकते हैं OC प्लस CA, OA जो है वो OC और CA के मिलने से तो बना है, OC प्लस CA, clear? And OC and BO दोनों क्या है, सर्कल का रेडियस है,
OC एंड BO दोनों ही सर्कल का रेडियस है। सर्कल के सेंटर से सर्कमफेरेंस पे कोई भी लाइन ड्रॉ करोगे स्ट्रेट लाइन, तो वो रेडियस ही होता है। तो दोनों ही रेडियस है बच्चों, यानी OC के प्लेस में आप R पुट कर सकते हो और CA के प्लेस में 7.5 का स्क्वायर इज इक्वल टू OB। OB के प्लेस में भी R लिखोगे और BA के प्लेस में 15 लिखोगे। ठीक है, ये बन गया मेरा इक्वेशन। चलो इसे सॉल्व करते हैं। तो मैं इधर वाला पार्ट इरेज कर रही हूँ। फॉर्मूला लगाओ, a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी r स्क्वायर प्लस 75 का स्क्वायर, 55 25 78 56, यानी 56.25 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, 7.5 का स्क्वायर निकालोगे तो 56.25 आएगा। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 इनटू r इनटू 7.5 इज इक्वल टू r स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर। चलो सॉल्व करते हैं। तो देखो, ये r स्क्वायर और ये r स्क्वायर कैंसिल हो गया, कितना बचा आपका 2 5 10 2 7 14 1 15 15 r इज इक्वल टू 15 का स्क्वायर 225 से माइनस कर लो 56.25, यानी कि ये हो जाएगा आपका 75। ये हो गया बच्चों 14, 14 में से 6 माइनस करोगे तो 8, ये हो गया 11, 11 में से 5 करोगे तो 6, 168, यानी r निकालोगे तो 168.75 को डिवाइड कर लेना 15 से, आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आया कैसे किया हमने? पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया, OB एंड OC दोनों ही मेरा रेडियस था तो उसके प्लेस में हमने R लिख दिया, OA को हमने ब्रेक करके लिख दिया OC प्लस CA, CA का वैल्यू आपका पता था और OC एंड OB दोनों ही रेडियस है तो रेडियस को हमने R लिख दिया। क्लियर? इक्वेशन को सॉल्व किया और मेरा R का वैल्यू आ गया, यानी रेडियस आ गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखो ये आपका एग्जाम में आया हुआ है तो अच्छे से समझना। कोई भी डाउट होता है बच्चों तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है। कर्म अगर सच्चा है तो कर्म कहां निष्फल होगा, हर एक संकट का हल होगा वो आज नहीं तो कल होगा। देखो नेक्स्ट नंबर 3 क्या कहता है, 3 में आपका कुछ डायग्राम है इस तरीके से, मैं ड्रॉ कर देती हूँ। दो सर्कल है बच्चों, दो सर्कल है, दोनों सर्कल का एक कॉमन टेंजेंट है PQ, दोनों सर्कल का एक कॉमन टेंजेंट है PQ, टू सर्कल टचेस ईच अदर एक्सटर्नली एट पॉइंट P, Q इज अ पॉइंट ऑन कॉमन टेंजेंट थ्रू P। क्या बोला जा रहा है? दो सर्कल है जो दोनों एक दूसरे को P पॉइंट पर टच कर रहे हैं, P पॉइंट से आप जो टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हो वो दोनों सर्कल का कैसा टेंजेंट होगा? कॉमन टेंजेंट होगा। उस कॉमन टेंजेंट पे आपने एक पॉइंट ले लिया है Q। क्लियर? P पॉइंट से दोनों सर्कल का जो हमने कॉमन टेंजेंट ड्रॉ किया है उस पर हमने एक पॉइंट ले लिया है Q पॉइंट। वी हैव टू शो दैट द टेंजेंट्स QA एंड QB आर इक्वल। अब Q पॉइंट से हमने दोनों सर्कल पर दो टेंजेंट ड्रॉ किया है, पहला टेंजेंट है QA, ये वाला टेंजेंट है QA और दूसरा वाला टेंजेंट है बच्चों QB। ठीक है, हमको शो करने बोला है, हमें प्रूफ करने बोला है, हमें क्या शो करने बोला है? QA एंड QB आर इक्वल। समझ में आई बात? क्या था क्वेश्चन? क्या था क्वेश्चन? सबको अच्छे से समझ में आ गया? दो सर्कल है, दोनों एक दूसरे को एक्सटर्नली P पॉइंट पर टच कर रहे हैं, P पॉइंट से हमने दोनों सर्कल का एक कॉमन टेंजेंट ड्रॉ किया है, जिस टेंजेंट पे हमने एक पॉइंट लिया है Q पॉइंट से हमने दोनों टेंजेंट पे दोनों सर्कल पर दो टेंजेंट ड्रॉ किए हैं QA एंड QB, वी हैव टू शो दैट QA इज इक्वल टू QB। अब कैसे शो करेंगे? तो अभी हमने थ्योरम पढ़ा था बच्चों, सर्कल के किसी भी एक्सटीरियर पॉइंट से, मतलब सर्कल के बाहर अगर आप किसी पॉइंट को लेते हो और उस पॉइंट से अगर आप सर्कल पर दो टेंजेंट ड्रॉ करते हो तो दोनों टेंजेंट हमेशा क्या होंगे बच्चों? इक्वल होंगे। अभी हमने पढ़ा था थ्योरम में, अगर आपने स्टार्टिंग पार्ट स्किप नहीं किया है, सारे थ्योरम को अच्छे से समझा है तो आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कह रही हूँ। इसलिए सिर्फ थ्योरम को पढ़ना नहीं है, उसकी प्रूविंग को भी जो मैंने समझाया है उसे देखना है। तो आप क्या बोलोगे? सिंस QA एंड QP आर टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट
क्यूब टू अ सर्कल। ठीक है, क्यू पॉइंट से हमने दो टेंजेंट ड्रॉ किया है, क्यू ए एंड क्यू पी। तो आप बोल सकते हो क्यू ए इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, क्यू पी। सिमिलरली क्यू पॉइंट से ही आपने क्यू पी एंड, देखो पहले हमने इस सर्कल को लिया, एक्सटीरियर पॉइंट क्यू से हमने क्यू ए एंड क्यू पी, क्यू ए भी एक टेंजेंट है और क्यू पी भी एक टेंजेंट है, किस सर्कल पर है, पहले वाले सर्कल पर। और हमने पढ़ा सर्कल के किसी भी एक्सटीरियर पॉइंट से सर्कल पर अगर आप दो टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो दोनों इक्वल होगा, तो आप बोल सकते हो क्यू ए जो है वो क्यू पी के इक्वल होगा। सिमिलरली अगर आप इस सर्कल पर आओ तो क्यू पॉइंट से देखो आपने पहला टेंजेंट ड्रॉ किया है क्यू पी और दूसरा टेंजेंट ड्रॉ किया है क्यू बी, दोनों सेकेंड वाले सर्कल पर ड्रॉ किया है, तो सिमिलरली आप क्या बोल सकते हो, सिमिलरली हम बोल सकते हैं क्यू पी इक्वल होगा क्यू बी के। आप देखो इक्वेशन वन एंड टू को अगर आप कंपेयर करो तो क्यू पी क्यू ए के भी इक्वल है और क्यू पी क्यू बी के भी इक्वल है, तो आप नहीं बोल सकते फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू अगर आप दोनों को कंबाइन करो तो ये इसके भी इक्वल है और ये इसके भी इक्वल है, तो हम आपस में बोल सकते हैं कि क्यू ए एंड क्यू बी आपस में इक्वल होंगे, और वही हमें प्रूफ करना था। तो कितना इजी था, जस्ट आपको थ्योरम पता होना चाहिए। नंबर फोर भी सेम नंबर थ्री के जैसा, ये बस ये दोनों सर्कल जो है वो एक दूसरे को इंटरनली टच करे, क्या बोला जा रहा है, टू सर्कल टचेस ईच अदर इंटरनली, दो सर्कल है दोनों एक दूसरे को कैसे टच कर रहे हैं बच्चों, इंटरनली। क्लियर, दोनों सर्कल एक दूसरे को इंटरनली टच कर रहे हैं। शो दैट द टेंजेंट ड्रॉन टू द टू सर्कल्स फ्रॉम any point on the common tangent are equal in length. आपको क्या बोल रहा है, common tangent, तो दोनों circle का common tangent हो गया बच्चों ये, clear? दो circle एक दूसरे को P point पर touch कर रहे हैं, P point से ही हमने एक tangent draw किया है, आपको क्या बोला है, show that the tangent drawn to the two circles from any point on the common tangent. कॉमन टेंजेंट के किसी एक पॉइंट से, सपोज करो कॉमन टेंजेंट से हम पे हमने एक पॉइंट ले लिया क्यू, क्यू पॉइंट से अगर आप दोनों सर्कल पर टेंजेंट ड्रॉ करो, क्यू पॉइंट से हमने पहले सर्कल पर टेंजेंट ड्रॉ किया क्यू ए और दूसरे सर्कल पर टेंजेंट ड्रॉ किया क्यू बी, ठीक है, आपको क्या बोला है, शो दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन टू द टू सर्कल्स फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन द कॉमन टेंजेंट। कॉमन टेंजेंट के किसी पॉइंट से दोनों सर्कल पर अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो वो इक्वल होगा, यानी वी हैव टू शो दैट क्यू ए इज इक्वल टू क्यू बी। क्लियर, पहले वाले सर्कल का रेडियस आर ले लो, दूसरे वाले सर्कल का रेडियस आर डैश ले लो, सेम टू सेम आपको वही थ्योरम अप्लाई करना है जो हमने पहले वाले सम के लिए किया। तो पहले पकड़ते छोटे वाले सर्कल को, तो छोटे वाले सर्कल के लिए देखो आउटसाइड एक्सटीरियर पॉइंट है क्यू और एक्सटीरियर पॉइंट से इसमें दो टेंजेंट ड्रॉ किया गया है QP एंड QA, QP एंड QA, तो आप क्या लिखोगे, QA एंड QP आर टेंजेंट्स फ्रॉम अ पॉइंट Q ऑन अ सर्कल या टू अ सर्कल विथ सेंटर आर। क्लियर, आर वाले सर्कल के, आर सेंटर वाले सर्कल पर हमने क्यू पी एंड क्यू ए दो टेंजेंट ड्रॉ किया है, किस पॉइंट से, क्यू पॉइंट से, तो आप बोल सकते हो क्यू ए इक्वल होगा बच्चों क्यू पी के, इक्वेशन वन। सिमिलरली आप बड़े वाले सर्कल को देखो, तो बड़े वाले सर्कल पर आपका दो टेंजेंट है, पहला टेंजेंट है QB और दूसरा टेंजेंट है QP, दोनों ही किस पॉइंट से ड्रॉ किए गए हैं बच्चों, Q पॉइंट से, तो सिमिलरली आप क्या बोल सकते हो, QB इक्वल होगा QP के, क्योंकि अभी हमने थ्योरम में पढ़ा कि सर्कल के बाहर किसी पॉइंट से सर्कल पर अगर आप दो टेंजेंट ड्रॉ करते हो तो दोनों इक्वल होते हैं, यानी फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू वी कैन से दैट अगर दोनों को कंपेयर करोगे तो QP QA के भी इक्वल है, क्यू पी क्यू बी के भी इक्वल है, तो क्यू ए इक्वल होगा क्यू बी के। क्लियर, यही तो आपको प्रूफ करने बोला था, हो गया, कितना इजी था। टू सर्कल्स ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर आर कोसेंट्रिक, कोसेंट्रिक उसे कहते हैं
जो दोनों सर्कल के सेंटर, मतलब दोनों सर्कल जो है बच्चों कॉमन सेंटर से पास करें। दो सर्कल है, दोनों सेंटर सर्कल का सेंटर कॉमन हो तो वो कहलाते हैं आपके कोसेंट्रिक सर्कल। जैसे कि ये दोनों कहलाएंगे कोसेंट्रिक सर्कल। दो सर्कल है बच्चों जो कि कोसेंट्रिक है, जिसका रेडियस है 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर, यानी बड़े वाले सर्कल का रेडियस है 5 सेंटीमीटर और छोटे वाले सर्कल का रेडियस है 3 सेंटीमीटर। क्लियर? कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द आउटर सर्कल विच टचेस द इनर सर्कल। कॉर्ड किसे कहते हैं बच्चों? तो आपको पता है कि सर्कल के सर्कमफेरेंस के किसी दो पॉइंट को मिलाने वाला स्ट्रेट लाइन ही क्या कहलाता है बच्चों? कॉर्ड कहलाता है। तो आउटर सर्कल के कॉर्ड का लेंथ बताओ जो इनर सर्कल को टच करता हो। आउटर सर्कल के किसी एक कॉर्ड का लेंथ बताओ जो इनर सर्कल को टच करता हो। तो यही एक कॉर्ड है, ए भी मैंने एक कॉर्ड बनाया है जो कि आउटर सर्कल का कॉर्ड है और वो इनर सर्कल को क्या कर रहा है बच्चों? टच कर रहा है। क्लियर? आउटर सर्कल का वो कॉर्ड है और इनर सर्कल को वो टच कर रहा है, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो आउटर सर्कल का वो कॉर्ड है और इनर सर्कल का वो क्या है बच्चों? टेंजेंट है, क्योंकि वो इनर सर्कल को एक पॉइंट पर टच कर रहा है। वो पॉइंट हमने ले लिया है डी। वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ ए बी। कैसे करेंगे? तो सबसे पहले छोटे सर्कल में देखो, छोटे सर्कल में ओडी आपका क्या है? रेडियस है। ओडी आपका क्या है? रेडियस है। और छोटे सर्कल के लिए बच्चों ए बी आपका क्या है? टेंजेंट है, क्योंकि वो छोटे सर्कल को टच कर रहा है। और अभी हमने पढ़ा कि रेडियस जो है वो टेंजेंट को, रेडियस जो है वो टेंजेंट पे 90 डिग्री का एंगल बनाता है। यानी आप क्या बोल सकते हो? ओडी इज परपेंडिकुलर टू ए बी। ओडी जो है वो ए बी पे क्या है बच्चों? परपेंडिकुलर है। यानी ट्रायंगल ओडीए इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, ओडीए आपका राइट एंगल ट्रायंगल है। तो आपको पता है कि 90 डिग्री के अपोजिट वाला साइड हाइपोटेनस होता है। OA आपको गिवन है 5 सेंटीमीटर, हाइपोटेनस मुझे गिवन है, OD मुझे गिवन है 3 सेंटीमीटर। तो DA मैं निकाल सकती हूँ। कैसे निकालूंगी? OA का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस DA का स्क्वायर। यहाँ से DA अगर आप निकालोगे तो 25 माइनस 9 इज इक्वल टू DA का स्क्वायर, यानी DA यहाँ से आ जाएगा बच्चों 4 सेंटीमीटर। DA आ गया आपका 4 सेंटीमीटर। क्लियर? अभी हमने देखा OD जो है वो AB पर परपेंडिकुलर है, और हमने थ्योरम पढ़ा है कि सेंटर से अगर आप कॉर्ड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो, AB जो है वो बड़े वाले सर्कल का कॉर्ड है और सर्कल के सेंटर से अगर आप कॉर्ड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो वो परपेंडिकुलर कॉर्ड को क्या करता है बच्चों? बाइसेक्ट करता है। वो परपेंडिकुलर कॉर्ड को क्या करता है बच्चों? बाइसेक्ट करता है। तो आप क्या लिखोगे? OD इज परपेंडिकुलर टू कॉर्ड AB, therefore AD is equal to DB. AD और DB आपस में सेम होगा, ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 सेंटीमीटर होगा, यानी AB का लेंथ हो जाएगा बच्चों 8 सेंटीमीटर। समझ में आया कैसे किया हमने? अब देखो नेक्स्ट। थ्री सर्कल्स टचेस ईच अदर एक्सटर्नली, अ ट्रायंगल इज फॉर्मड व्हेन द सेंटर्स ऑफ दीस सर्कल आर जॉइंड टुगेदर। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल इफ द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल फॉर्मड आर 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर। आपको क्या बोला गया है? तीन सर्कल है जो एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, पहला सर्कल, दूसरा सर्कल और ये तीसरा सर्कल। तीनों सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं। Three circle touches each other externally. A triangle is formed when the center of these circles are joined together. इस सर्कल के सेंटर, इस सर्कल के सेंटर और इस सर्कल के सेंटर को जब हम आपस में ज्वाइन करते हैं बच्चों तो क्या बन जाता है? एक ट्रायंगल बन जाता है। और इस ट्रायंगल का आपको साइड गिवन है, इस सर्कल का सेंटर ए ले लो, इस सर्कल का सेंटर बी ले लो और इस सर्कल का सेंटर सी ले लो। आपको गिवन है पहला साइड ए बी 6 सेंटीमीटर, दूसरा साइड है बच्चों बी सी जो कि 8 सेंटीमीटर और तीसरा साइड है ए सी इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। आप किसी को भी कोई साइड से डिनोट कर लो, फर्क नहीं पड़ता। क्लियर? तीन सर्कल है, तीनों एक्सटर्नली ज्वाइंट है और टच कर रहे हैं, और तीनों के रेडियस को जब हम ज्वाइन करते हैं तो उससे एक ट्रायंगल फॉर्म होता है और इस ट्रायंगल का मुझे साइड
गिवन है आपको रेडियस निकालने बोला है। तो सपोज कर लो पहले वाले सर्कल के रेडियस को हम आर वन से डिनोट करते हैं, तो ये भी आर वन हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा बच्चों, आर वन, क्योंकि दोनों ही पहले वाले सर्कल का रेडियस है। दूसरे वाले सर्कल के रेडियस को अगर आप आर टू से डिनोट करते हो तो ये लेंथ भी आर टू हो गया बच्चों, ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ भी कितना हो गया आर टू। तीसरे वाले सर्कल के रेडियस को अगर आप आर थ्री से डिनोट करते हो तो ये वाला भी रेडियस है आर थ्री और ये वाला भी रेडियस है आर थ्री। क्लियर समझ में आया? यानी ए बी लेंथ जो है वो आर वन प्लस आर टू के मिलने से बना है, बी सी साइड जो है वो आर टू और आर थ्री के मिलने से बना है, और ए सी साइड जो है वो हमारा आर वन और आर थ्री के मिलने से बना है। यानी आप लिख सकते हो आर वन प्लस आर टू ए बी के बराबर है, जिसका लेंथ मुझे गिवन है 6 सेंटीमीटर। आर टू प्लस आर थ्री बी सी के बराबर है, जिसका लेंथ मुझे गिवन है 8 सेंटीमीटर, और आर वन प्लस आर थ्री ए सी के बराबर है, जिसका लेंथ मुझे गिवन है 9 सेंटीमीटर। अब ये तीन इक्वेशन बन गया। अब आप इसे सॉल्व कैसे करोगे, क्योंकि किसी भी दो को लेके आप सॉल्व नहीं कर सकते, आपका अननोन क्वांटिटी है। दो इक्वेशन को आप तभी सॉल्व कर सकते हो जब उसमें दो वेरिएबल रहे, बट दोनों में तो चार वेरिएबल है बच्चों, इसमें दो वेरिएबल, दो अननोन वेरिएबल, इसमें दो अननोन वेरिएबल, तो आप इसे सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे तीनों इक्वेशन हमेशा याद रखना, कभी भी इस तरीका का रहे तो आप तीनों को ऐड कर दो। अगर हम तीनों इक्वेशन को ऐड करते हैं तो देखो दो बार मेरा आर वन आ जाता है, दो बार हमारा आर टू आ जाता है, और दो बार हमारा आर थ्री आ जाता है एलएचएस में। और आरएचएस की तरफ कितना आ जाएगा बच्चों, तो 6 और 8 14, 14 प्लस 9 कितना हो जाएगा 23 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा। यहां से अगर आप 2 कॉमन लेते हो तो आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री हो जाएगा आपका 23 डिवाइडेड बाई 2, यानी 2 1s are 2, 2 1s are 2, 11.5 सेंटीमीटर। ये हो गया मेरा, क्लियर। अब आपका R1, R2, R3 आ गया, ये आपका पहला इक्वेशन था, ये मेरा दूसरा इक्वेशन था, ये मेरा तीसरा इक्वेशन था, ये हो गया मेरा फोर्थ इक्वेशन। अब आप फोर्थ और वन को लेकर सॉल्व करो। अगर मैं इसमें से R1 plus R2 का वैल्यू पुट कर दूं, मुझे R1 plus R2 plus R3 गिवन है बच्चों 11.5 सेंटीमीटर, और R1 plus R2 मुझे पता है 6 सेंटीमीटर। R1 plus R2 की जगह अगर मैं 6 सेंटीमीटर लिखूं तो मेरा R3 आ जाएगा ना, कैसे आ जाएगा, R3 कितना हो जाएगा 11.5 माइनस 6 सेंटीमीटर, यानी 5.5 सेंटीमीटर। क्लियरली, सिमिलरली जैसे मैंने एक बार इक्वेशन 4 और 1 को लेकर सॉल्व किया, वैसे ही आप 4 और 2 को लेकर सॉल्व करोगे, तो आप R2 और R3 का वैल्यू डालोगे, वहां से आपका R1 आ जाएगा। नेक्स्ट आप R1 प्लस R3 का वैल्यू डालोगे तो आपका R2 आ जाएगा। समझ में आया कैसे किया हमने, तो तीनों ट्रायंगल का रेडियस आपका आ जाएगा। अब देखो नेक्स्ट, देखो नंबर 7 क्या है। नंबर 7 और नंबर 8 एक दूसरे से बिल्कुल मिलता जुलता है, तो मैं एक ही क्वेश्चन से दोनों करा दूंगी। क्या आपको बोला गया है, इफ द साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी टचेस अ सर्कल, एक सर्कल है जिसे क्वाड्रिलेटरल के चारों साइड आपस में टच कर रहे हैं, मतलब इस तरीके का आपका एक सर्कल है, क्लियर, इस सर्कल को टच करते हुए क्वाड्रिलेटरल के चारों साइड पास हो रहे हैं। क्वाड्रिलेटरल के साइड्स है ए बी बी सी सी डी एंड ए डी, ये चारों साइड ही सर्कल को टच कर रहे हैं। प्रूव करना है आपको ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू बी सी प्लस ए डी। क्लियर, समझ में आया क्वेश्चन में क्या बोला गया है, एक क्वाड्रिलेटरल है जिसके चारों साइड जो है वो सर्कल को टच कर रहे हैं, आपको प्रूफ करने बोला है ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू बी सी प्लस ए डी। कैसे करेंगे, तो सबसे पहले देखो ए बी साइड जो है, आप लेट कर लो ए बी साइड जो है वो सर्कल को पी पॉइंट पर टच कर रहा है, बी सी साइड जो है वो क्यू पॉइंट पर टच कर रहा है, सी डी साइड जो है बच्चों वो आर पॉइंट पर टच कर रहा है पी क्यू आर, और ए डी साइड जो है वो बच्चों वो एस पॉइंट पर सर्कल को टच कर रहा है। क्लियर, समझ में आ गया। अब हमने पढ़ा था थ्योरम में क्या पढ़ा था, सर्कल के एक्सटीरियर किसी पॉइंट से अगर आप सर्कल पर दो टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो वो दोनों आपस में क्या होंगे बच्चों, इक्वल होंगे। उस बेसिस पर आप नहीं बोल सकते इस सर्कल का एक एक्सटीरियर पॉइंट लिया हमने ए
और ए पॉइंट से देखो हमने दो टेंजेंट ड्रॉ किया है एपी एंड एएस, देन आप बोल सकते हो एपी और एएस आपस में इक्वल होगा, तो आप लिख देना सिंस वी ड्रॉ टू टेंजेंट टू अ सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट ए एपी एंड एएस देन अकॉर्डिंग टू द थ्योरम एपी इज इक्वल टू एएस। ठीक है, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ एपी एएस के इक्वल होगा। सिमिलरली बच्चों अगर आप बी पॉइंट का बात करो तो बी पॉइंट से देखो सर्कल पर दो टेंजेंट ड्रॉ किया गया बीपी एंड क्यूबी, तो आप बोल सकते हो बीपी इक्वल होगा क्यूबी के या बीक्यू के। नंबर टू, सिमिलरली अगर आप सी पॉइंट की बात करो तो सी पॉइंट से देखो सर्कल पर दो टेंजेंट ड्रॉ किया गया सीआर एंड सीक्यू, तो आप बोल सकते हो सीआर इज इक्वल टू हो जाएगा आपका सीक्यू के, इक्वेशन नंबर थ्री। एंड अगर मैं डी पॉइंट की बात करूं तो डी पॉइंट से भी सर्कल पर दो टेंजेंट ड्रॉ किया गया है डीआर एंड डीएस, यानी डीआर इक्वल हो जाएगा बच्चों डीएस के, इक्वेशन हो गया नंबर फोर। आपको प्रूफ करने क्या बोला गया था बच्चों, तो हमें प्रूफ करने बोला गया था एबी प्लस सीडी, एबी प्लस सीडी इज इक्वल टू डीए प्लस बीसी। तो एबी और सीडी क्या चीज से मिलने से बना है, तो एबी मिलने से बना है एपी और पीबी के, और CD किसके मिलने से बना है बच्चों DR एंड RC के, यानी AP और BP को प्लस करोगे तो आपका AB आएगा और CR और DR को प्लस करोगे तो बच्चों आपका CD आएगा, यानी आपको चारों इक्वेशन जो आपका बना चारों को क्या कर देना है बच्चों ऐड, एडिंग वी गेट AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR इज इक्वल टू AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS। एपी बीपी सी आर डी आर, एपी प्लस बीपी मिलके बना ए बी, सी आर और डी आर मिलके बना सी डी। यहाँ देखो एएस और डीएस, एएस और डीएस मिलके क्या बनेगा बच्चों ए डी, एंड बीक्यू और सी क्यू, बीक्यू और सी क्यू मिलके क्या बनेगा बच्चों बी सी। क्लियर हो गया प्रूफ, समझ में आया कैसे किया हमने। नंबर एट जो है बच्चों वो सेम टू सेम यही क्वेश्चन, उसमें थोड़ा सा उसको मॉडिफाई कर दिया गया। क्या बोला गया, इफ द साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम टचेस द सर्कल प्रूव दैट द पैरेललोग्राम इज अ रोम्बस, यानी ये सेम टू सेम सर्कल है जिसे क्वाड्रिलेटरल टच कर रहा है, बस वो क्वाड्रिलेटरल आपका क्या होगा पैरेललोग्राम होगा। आपको सेम टू सेम यहाँ तक इसे सॉल्व करना है, क्लियर। सेम टू सेम नंबर एट के लिए आपको ऐसे ही फिगर ड्रॉ करके यहाँ तक सॉल्व करना है। अब आपको इसे रोम्बस प्रूफ करना है, आपको क्या बोला गया ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, तो मैं इसी में कंटिन्यू कर दे रही हूँ क्योंकि सेम टू सेम यहां तक तो आपको ये स्टेप लेना ही है। उसके बाद आप क्या लिखोगे, सिंस ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, आपको पता है ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड क्या होते हैं बच्चों आपस में इक्वल होते हैं, यानी ए बी इक्वल होगा सी डी के एंड ए डी इक्वल होगा बी सी के। क्लियर, ए बी और सी डी आपस में सेम होंगे और ए डी और बी सी आपस में सेम होंगे, यानी सी डी के प्लेस में भी आप ए बी लिख सकते हो, यानी ए बी प्लस ए बी इक्वल हो जाएगा बच्चों ए डी प्लस ए डी के, यानी टू ए बी बराबर हो जाएगा टू ए डी के, यानी ए बी इक्वल हो जाएगा ए डी के। अब देखो चारों साइड आपस में इक्वल हो गया, ए बी सी डी के भी बराबर था, ए बी ए डी के भी इक्वल हो गया, ए डी बी सी के भी इक्वल हो गया, मतलब चारों साइड इक्वल हो गए, और ऐसा पैरेललोग्राम जिसके चारों साइड इक्वल हो उसे हम क्या कहते हैं बच्चों रोम्बस कहते हैं। रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम हुज ऑल साइड्स आर इक्वल, ऐसा पैरेललोग्राम जिसके चारों साइड इक्वल हो उसे हम रोम्बस कहते हैं, और हमने इसके चारों साइड को इक्वल दिखा दिया, देन वी से दैट ए बी सी डी इज अ रोम्बस। समझ में आया क्या करना है आपको, पूरा यहां तक नंबर सेवन जैसा हमने किया था पूरा वहां तक करना है टेंजेंट वाला थ्योरम अप्लाई करके, फिर दोनों साइड इक्वल है तो सीडी के प्लेस में भी आप ए बी लिखोगे और बीसी के प्लेस पे भी आप ए डी लिखोगे, मतलब आपस में इक्वल है तो चारों साइड आपस में इक्वल हो गए, और ऐसा पैरेललोग्राम जिसके चारों साइड इक्वल है वो क्या कहलाता है रोम्बस। ठीक है।